दोस्तों न्यूज़ तो बहुत सारा देखे होंगे, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसा न्यूज़ दिखाने वाला हूं जो काफ़ी आपको पसंद आएगा। दोस्तों अभी जो आप ये देख रहे हैं मेरे पीछे काफ़ी सारा बेड है और देखिए पूरा साफ सुथरा है, सोने का व्यवस्था है, बेड लगा हुआ है, जाजिम लगा हुआ है बेडशीट, उसके बाद यहाँ देखिए चादर है, ये तकिया वगैरह है, पिल्लो जिसे बोलते हैं, तो काफ़ी सारा यहाँ आप अभी आप बेड देख रहे हैं। तो ये बेड क्यों लगा हुआ है इसी के बारे में आज मैं आप लोगों से बात करूँगा। न्यूज बहुत सारा होता है दोस्तों, लेकिन न्यूज वैसा हो जो आप लोगों को फ़ायदा पहुँचा सके। ठंड का समय आ गया है, आप लोगों को पता है जब हम ही लोग कहीं जाते हैं न्यूज करने के लिए, अगर कहीं रात हो जाता है तो सोने के लिए काफ़ी प्रॉब्लम होता है। और हमें ही नहीं, काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो स्टूडेंट भी होते हैं, वो एग्जाम देने के लिए जाते हैं बाहर, तो उसको सोने के लिए काफ़ी परेशानी होता है, बैठने के लिए बहुत सारे चीज़ों का परेशानी झेलना होता है, उसे एक पानी पीने के लिए सोचना पड़ता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं इधर पानी का भी व्यवस्था है, यहाँ इधर देखिए पानी का व्यवस्था है, और ये सब कुछ जो है निःशुल्क आपको मिलेगा। जो भी आप देख रहे हैं वहाँ वाटर का व्यवस्था है, आप पानी पी सकते हैं, कहीं से भी आप आ रहे हैं पटना, ये अभी जो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ पटना के गांधी मैदान गेट नंबर 4 के पास ये निःशुल्क जो है आश्रम है, और इस आश्रम में आप आके रात जो है रह सकते हैं, एक दिन दो दिन जितना दिन आपको रहना है रह सकते हैं, सो सकते हैं। और यह देखिए बेडशीट और चादर है ओढ़ने के लिए, जो ठंड में आपको ब्लैंकेट वगैरह यूज करना होता है वो सारा चीज यहाँ पे है। तो चलिए यहाँ जो है एक अंकल है, अंकल से मैं अभी बात करूंगा। अंकल आपका शुभ नेम क्या है? अशोक कुमार मेरा हुआ। अशोक कुमार जी हाँ ठीक है अंकल, थोड़ा अच्छे से बोलिए, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और इसके बारे में बताइए ये कब से स्टार्ट किए हैं? ये हो गया 15 दिन करीब हो गया, 20 दिन 15 दिन से स्टार्ट है। ये कब तक रहेगा? ये फरवरी तक रहेगा। फरवरी तक रहेगा। किसके द्वारा ये व्यवस्था किए हुए हैं? ये नगर निगम के। नगर निगम पटना? नगर निगम पटना नगर निगम। और ये निःशुल्क है? हाँ निःशुल्क, एक भी रुपया नहीं? नहीं एक पैसा भी। मतलब कोई भी यहाँ आके सो सकता है, रह सकता है, रात गुजार सकता है? जो भी गरीब आदमी जो भी आता है सब यहाँ रात भर रहता। अच्छा, है बहुत सारे लोग तो आए होंगे सोए होंगे रहेंगे, तो क्या बोलते हैं वो कुछ अपना आए खाना उना खा के अपना सो जाते हैं। मतलब गुजार सकते हैं? हाँ, वो आधार कार्ड ये सब मेंटेन करने पड़ता है। हाँ आधार कार्ड, यहाँ देखिए दोस्तों एक डायरी है, यहाँ पे आपको आधार कार्ड और क्या क्या अंकल सब कम नोट करने पड़ता है। देखिए आधार कार्ड, नाम, पता, मोबाइल नंबर, सारा चीज ये आपको देना होता है। दोस्तों आप भी समझ सकते हैं, बस आपको इससे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं कहाँ कहाँ से आते हैं, तो इनको भी थोड़ा आइडिया होता है हम लोग इतने लोगों को सेवा दे पाए तो। और यहाँ क्या सब व्यवस्था है अंकल? और सब लेडीज लोग आते हैं तो उधर दे दिया जाए। अच्छा, लेडीज के लिए व्यवस्था है? जी दोस्तों, इधर आप दिखाएंगे थोड़ा कैमरामैन, इधर आप देखिए ये जो आप चारों तरफ से देख रहे हैं घेरा हुआ, इधर लेडीज का सुविधा है। मतलब लड़की या लेडीज फैमिली वगैरह कोई आ रहे हैं पटना, मानिए कि किसी दिन घूमने आए हैं पटना संडे के दिन, अभी 1 जनवरी का समय आ रहा है, आप घूमने आए हुए हैं और आपको सोने का व्यवस्था नहीं मिल पाता है, रूम आप नहीं ढूंढ पाते हैं, तो आप ये देखिए, आप यहाँ ध्यान से सुनिए, अंकल अभी आपको बताएंगे आपको कहाँ आना है और ये आप सुविधा जो है कैसे ले सकते हैं उसके बारे में बताएंगे। बताइए अंकल। ये मतलब 4 नंबर गेट हुआ, गांधी मैदान का 4 नंबर गेट, 4 नंबर गेट ऊपर अपना ये सब। दोस्तों बिहार की राजधानी पटना में, बिहार की राजधानी पटना में गांधी मैदान सभी लोग जानते हैं, किसी को भी पूछिएगा गांधी मैदान आ जाइएगा, गांधी मैदान गेट नंबर 4 के पास एक पंडाल बना हुआ है, आप देखा दीजिए चारों तरफ थोड़ा इसी तरह का एक पंडाल बना हुआ है, चारों तरफ से घेरा हुआ है और एक तरफ जो है इसका छोटा सा गेट है, आप चारों तरफ से देख के आइएगा, आपको यहाँ गेट नंबर 4 के पास जो है ये पंडाल आपको दिख जाएगा। और आप लोगों को बता दूं कि यहाँ आप अगर आते हैं तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि गलत मतलब से ना आए, यहाँ देखिए सीसीटीवी कैमरा का भी यहाँ व्यवस्था है, अगर आप कुछ उल्टा सीधा करते हैं, नशा भी करते हैं, तो आप पकड़े जाएंगे, वैसे में यहाँ आधार कार्ड है आपके ऊपर कानूनी प्रक्रिया जो है हो सकता है। यहाँ देखिए यहाँ बहुत सारा चीज जो है लगा हुआ है, और यहाँ पानी का डब्बा जो है लगा हुआ है, आप यहाँ पानी पी सकते हैं, और इधर जो है बहुत सारा सुविधा है, यहाँ देखिए निःशुल्क और अस्थायी आश्रम स्थल, और वहाँ बहुत सारा चीज लिखा हुआ है, पटना नगर निगम के द्वारा जो है ये व्यवस्था जो है किया गया है। और उधर देखिए कृपया सफाई बनाए रखें, यहाँ सबसे अच्छी बात ये है ना कि फ्री में आजकल कोई कुछ नहीं देना चाहते हैं, फ्री में आजकल कोई कुछ नहीं देना चाहते हैं, और ऐसा
ठंड के समय में, दोस्तों जब गर्मी का समय होता है ना तो हम लोग कहीं जाते हैं ना तो गर्मी में स्टेशन पे भी सो जाते हैं, फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि गर्मी का समय रहता है तो क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन ठंडी में कहीं भी रुकना या सोना बैठना बहुत ही ज्यादा दिक्कत सामना करना पड़ता है। उसी के लिए आप लोगों के लिए ये सुविधा जो है ये लोग किए हैं, ये आप लोगों के लिए यहाँ आप आके सो सकते हैं। ठंड के लिए ये काफ़ी अच्छा व्यवस्था है और ठंड के लिए है कि बहुत ही अच्छा व्यवस्था है, फ्री निःशुल्क, आपको एक भी रुपया नहीं देना है, आप कहीं से भी आइए और यहाँ आप सोइए रहिए बैठिए आप आराम कर सकते हैं। न्यूज करने के लिए आया तो यहाँ पर एक भाई साहब भी आए हैं और ये भी एक न्यूज चैनल से है, ये कहीं वीडियो देखे थे और यहाँ आए और देखे तो इन्हें भी काफी पसंद आया, आइए इनके बारे में जानते हैं। अच्छा कहाँ से आए हैं आप? मैं तो आया हूँ मधुबनी जिला से। अच्छा कहाँ आए थे? मैं आया था पटना के गांधी मैदान में जो सारस मेला लगा हुआ है ना, उसका वीडियो शूट करने के लिए आया था। तो इधर मैंने देखा कि एक निःशुल्क अस्थायी आश्रय स्थल लगा हुआ है जो कि यहाँ पर बहुत ही अच्छी व्यवस्था है। अगर कोई भी आप लोग भी आते हैं तो यहाँ पर निःशुल्क अस्थायी में रह सकते हैं, कोई भी पैसा आपको लगने वाला नहीं है, फ्री, आप देख रहे हैं फ्री निःशुल्क है सुविधा। और देखिए बेड कितना मतलब साफ सुथरा है, पूरा सफाई बनाए रखा है और किसी चीज का दिक्कत नहीं है। आप आइए अपना आधार कार्ड वगैरह दीजिए आप रह सकते हैं। तो कितना ये अच्छा कर रहा है पटना नगर निगम? बहुत ही अच्छा कर रहे हैं पटना नगर निगम को, स्पेशली थैंक यू बोलना चाहूंगा मैं, क्योंकि यहाँ पर आप ऐसा नहीं है कि जेंट्स के लिए व्यवस्था है, यहाँ पर आप साइड में देख सकते हो कि एक पर्दा भी लगा हुआ है, यहाँ पर लड़की हो चाहे लेडीज हो कोई भी आकर के यहाँ पर रह सकते हैं। तो ये बहुत खुशी की बात है कि आप ठंड भर आराम से यहाँ पर निकल जाते हैं। जानते हैं ऐसे नहीं कि कोई यहाँ लगा दिया एक पंडाल और आप आके रह सकते हैं, पूरा जो है ये नगर निगम पटना नगर निगम के निगरानी में हो रहा है। आप चारों तरफ देख सकते हैं, वहाँ चारों तरफ देखिए, चारों कोने में जो है सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है और वहाँ बड़ा सा एक एलसीडी लगा हुआ है, वहाँ सारा जो है फुटेज आपका रिकॉर्ड होता है। यहाँ आप क्या करते हैं, क्या कैसे रहते हैं, कुछ अगर उल्टा सीधा करते हैं वहाँ भी आपका रिकॉर्ड हो जाएगा और वहाँ से आपका कानूनी प्रक्रिया हो सकता है। तो गलत फायदा ना उठाए, इसका सही फायदा उठाए और आप आइए कहीं से भी आइए और यहाँ आप ठहरिए। दोस्तों यहाँ पे काफी सारे लोग जो है रुकने के लिए आए हुए हैं, उधर भी कुछ लोग हैं वो रुकने के लिए अपना कपड़ा जो है चेंज वगैरह कर रहे हैं। कहाँ से आए हैं? हम बेगूसराय से आए हैं। अच्छा इसके बारे में कैसे पता चला? ये इसके बारे में जैसे आप ही के जैसे लोग यूट्यूब पे डाले थे तो हमने यूट्यूब पे इनके बारे में देखा, यूथ के लिए इंफॉर्मेट, ज्यादातर लोग रेलगाड़ियों से धक्का खा खाते हैं, बट उसके बाद एग्जाम ठंड का समय है, ठंड का भी समय और होता क्या कि जब एग्जाम देने के बाद प्लेटफॉर्म पे रुकना पड़ता था, बहुत सारा इधर उधर भटकना पड़ता जो जगह नहीं, बट यूट्यूब पे हमको इसके बारे में पता चला था और उसके माध्यम से आए थे, जो पता था नगर निगम की तरफ से, और यहाँ आए फिर अभी जस्ट सर से हम बात भी किए, सर ने बोला अलाव भी करना, यही अभी रुकने वाले हैं ना जिन्हें ऑलरेडी हम मेरा रूम बुक हो चुका है यहाँ पे पटना जंक्शन का, बट हम ये कंफर्म करने आए थे यहाँ कि वाकई में सच है या गलत, बट दोस्तों क्लियर ही कह देता हूँ ये सच है। सिर्फ एक दिन नहीं, हम दो दिन यहाँ चेक किए सर, शायद हमको पहचान भी गए होंगे, दूसरा दिन हम यहाँ चेक किए कि ये वाकई में सच है। जैसे अभी अभी जस्ट सारस मेला लगा हुआ बगल के गांधी में, पिछले 10 दिन से मेला लग रहा लगाता, तो हमें ऐसा अनुभव जैसे सीट देखे थे बहुत कम सा दिक्कत ऐसा अनुभव हो रहा था, शायद मेला के वजह से सीट फुल हो गया होगा तो नहीं मिल सकता जगह, लेकिन सर जैसे बात किए भाई कहाँ से रहने में, मैंने कहा इसका मतलब ये है कि अगर आप दूर से आ रहे हो ना परेशानी में हो ना तो चाहे जितना भी भीड़ रहे आपको जगह मिल जाएगा पक्का, आप पूरा दिल खोल के आइए आपको जगह फिक्स मिलेगा। ये मेरा नहीं पटना नगर निगम और खासकर के लिए एक ताली तो भाई घर पे बैठ कर ही बजा दो, ज्यादा बेहतर रहेगा। दोस्तों अभी निःशुल्क जो है आश्रम का वीडियो बना है लेकिन आपको एक खास चीज दिखाना भूल गए थे, आप यहाँ देख सकते हैं टॉयलेट है, उसी के जस्ट बगल में टॉयलेट है, वॉशरूम वगैरह आप यहाँ कर सकते हैं, लेकिन ये मशीन का सिस्टम है बहुत कमाल का है, आपको कुछ खास दिखाएंगे। जब भी कोई इसके अंदर जाएगा ना तो ये रेड बढ़ेगा, यहाँ आप देख सकिए यहाँ लाइट है, यहाँ ऊपर दिखा दीजिए ये रेड बढ़ेगा, अगर कोई इसके अंदर नहीं है तो ये जो है आपको ग्रीन इस तरह से दिखेगा। और ये गेट कैसे खुलेगा, ऐसे जब आप गेट खींचिएगा तो ये गेट नहीं खुलेगा, तो गेट खुलेगा कैसे, मेरे पास है बहुत सारा चेंज और मैं इसमें 2 रुपया डालने वाला हूं और देखते हैं 2 रुपया डालने के बाद ये गेट खुलता है कि नहीं। तो चलिए इसमें 2 रुपया हम गिराते हैं, 2 रुपया गिर गया, अब गेट खोलने का कोशिश करते हैं। हाँ कुछ खुल रहा है, कुछ बोल रहा है, ठीक ना, रेड हो गया, अरे कोई अंदर गया है नहीं, ये देखिए खुल गया, तो ये है कमाल। अब ये बोल रहा है प्लीज लॉक कीजिए, अंदर जाने के बाद इसे जो है लॉक कर रहा, अरे भाई अंदर काहे दिखा रहे हैं तो इस तरह से इसको चलिए अंदर गए, ये छोड़ दिए, अब जो है ये बंद हो गया, अंदर आपको जो करना है कीजिए, ये रेड बढ़ेगा, रेड बढ़ने के बाद लोग समझ जाएंगे कि अंदर कोई है, वो गेट नहीं खोलने का कोशिश करेंगे,
जैसे हम फिर से अंदर से बाहर आते हैं, ये देखिए जैसे अंदर में कोई सिस्टम होगा खोलने का, पता नहीं, अंदर अभी नहीं जाना है मुझे, तो ये लॉक हो जाएगा, फिर ये ग्रीन बनने लगेगा। तो चलिए छोड़ देते हैं, अभी कुछ समझ में नहीं आता। चलिए तो इस तरह से यहाँ जो है आप निःशुल्क रह भी सकते हैं और एक दो रुपया इसमें डाल के आप जो है वॉशरूम का सुविधा भी ले सकते हैं। अंकल यहाँ आप 2400 घंटे रहते हैं ना? हम लोग 2 बजे से 10 बजे तक रहते हैं। 2 बजे से 10 बजे, और उसके बाद 10 बजे दूसरा आता है। अच्छा, दूसरा आता है। हाँ, फिर 6 बजे तक वो रहता है, 6 बजे के बाद दूसरा आता है। अच्छा, आप भी पटना नगर निगम से हैं? हाँ हाँ। अच्छा, अशोक कुमार आपका नाम है ना? हाँ, जी हाँ। तो अंकल जो है यहाँ जो है 2 बजे से 10 बजे तक रहते हैं, उसके बाद दूसरे का ड्यूटी होता है, वो लोग आते हैं आपकी निगरानी में। अच्छा, क्या क्या कोई दिक्कत भी होता है यहाँ? कोई दिक्कत नहीं है। नहीं ना? ना, हम लोग बढ़िया मिल के सब देते हैं। हाँ, तो काफी अच्छा लग रहा है अंकल, इतना अच्छा काम कर रहे हैं। पटना नगर निगम को स्पेशली थैंक्स कि आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं, फ्री सेवा जो है आप दे रहे हैं। इसी तरह जो है कुछ ना कुछ अच्छा करते रहना चाहिए। चलिए, आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। जोश तक न्यूज़ के लिए जय हिंद।